नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो 2019 में सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव और कंगना रनौत स्टारर फिल्म मेंटल है क्या के बारे में, और जिसकी इनिशियली डेट 29 मार्च 2019 अनाउंस कर दी गई है। और ये एक इंडियन एडल्ट ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, और दोस्तों जिसके डायरेक्टर हैं प्रकाश कोवेलामुदी। दोस्तों, फिल्म में राजकुमार राव और कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगे, और इनके अलावा इस फिल्म में अमायरा दस्तूर, नुसरत बारूचा। दोस्तों, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं एकता कपूर और शोभा कपूर, और आपको बता दें कि डायरेक्टर प्रकाश कोवेलामुदी एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मेंटल है क्या फिल्म के काफी फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कंगना और राजकुमार अजीबो गरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। राजकुमार राव और कंगना रनौत इससे पहले क्वीन फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। राजकुमार राव ने 2010 में बॉलीवुड में लव सेक्स और धोखा फिल्म से डेब्यू किया था, और इसके बाद 2013 में आई फिल्म काई पोचे, जो कि एक ड्रामा फिल्म थी, राजकुमार राव ने इस फिल्म में अभिनय किया और जो फिल्म काफी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, वहीं 2013 में उनकी कंगना रनौत के साथ क्वीन फिल्म रिलीज हुई, जिसमें वो कंगना के साथ रोमांस करते नजर आए, और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई। 2014 में आई फिल्म सिटी लाइट, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने राजकुमार राव की एक्टिंग की काफी तारीफ की। और उसके बाद उन्होंने ट्रैप्ड, ओमेट बरेली की बर्फी, बहन होगी तेरी, शादी में जरूर आना, शाहिद, न्यूटन और स्त्री जैसी कई हिट फिल्में की, जिन्होंने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया और लोगों ने फिल्मों को खूब पसंद किया। बात करें कंगना रनौत की, तो उन्होंने 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो कि बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद वो 2008 में फैशन फिल्म में नजर आई, जो हिट तो हुई, साथ में उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई। उसके बाद उनकी कई सुपरहिट फिल्में तनु वेड्स मनु, क्रिश 3, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, राज 2, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्वीन, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब वो अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग में बिजी हैं। दोस्तों, अमायरा दस्तूर एक इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने इशक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और इससे पहले वो कलाकंदी, मिस्टर एक्स जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। दोस्तों, वहीं नुसरत बरूचा की बात करें तो वो भी एक फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो इससे पहले डर एट द रेट द मॉल, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें जिमी शेरगिल की, तो वो एक पंजाबी सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने 1996 में आई फिल्म माचिस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में मोहब्बतें, मुन्ना भाई, साहिब बीबी और गैंगस्टर, तनु वेड्स मनु और वेडनेसडे में काम किया है। अब अगर बात करें मेंटल है क्या की स्टार कास्ट की, तो इसमें सभी स्टार कास्ट अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों को कितना रेस्पॉन्स मिलता है, ये तो इसकी रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।